जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले एक चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ा, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले एक चम्मच दूध लेकर जाओ, एक कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से एक चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले एक छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, हमारे पूर्वजों को प्राप्त। क्या करना चाहिए अगर पितृदोष है और उससे निवारण करना है, शांति पाना है, तो क्या करना होगा? उसका एक ही तरीका महाराज, अमावस्या के एक दिन पहले 14 के दिन पीपल के 7 पत्ते लीजिए और 7 पत्ते पर शंकर का नाम ओम नमः शिवाय लाल चंदन से लिख दीजिए। 7 पत्ते पर लिखकर उसको मौली, जैसे हमने भी बंदरबान मानते थे ऐसे मौली की बंदरबान मान लीजिए, घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। कौन से दिन? अमावस्या के एक दिन पहले 14। अमावस्या के दिन दोपहर के 12 बजे उस बंदरवाल को खोल लीजिए, दूध की कटोरी कच्चे दूध की हाथ में ले लीजिए और पत्ते का, पीपल के पत्ते का अग्रभाग उस दूध में डुबो दीजिए और उसको ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे ऐसा कैसा ही विसर्जन कर दीजिए, कटोरी वापस लेकर आ जाइए। मात्र 2 अमावस्या करोगे आपके घर का पितृदोष समाप्त होगा, लक्ष्मी बढ़ेगी, घर से रोग समाप्त होगा और घर में प्रेम बढ़ेगा। पितृदोष को समाप्त करने का इससे सुंदर कोई तरीका है? ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी, पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितर मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितर मुक्त नहीं होते, उनकी शांति क्या होती है? जम के बोलो जरा, उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित है। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को एक गिलास पानी पिलाया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाता है, उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितर मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितर मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे आप
आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर उनका पिंड। हर हर महादेव दोस्तों, वीडियो कैसी लगी यह बताने के लिए लाइक कमेंट करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।